सीहोरस समुद्री घोड़ा यह वह जीव है जो दुनिया भर के सभी समुद्रों और महाद्वीपों में पाया जाता है। यह एक तरह की मछली ही होती है, परंतु इसके सिर का आकार घोड़े के सिर के जैसा होने से इसे सीहोरस समुद्री घोड़ा कहा जाता है। परंतु यह एक मछली की प्रजाति होती है, लेकिन इस जीव कुछ आदत मछलियों से अलग पाई जाती है, इसी कारण यह समुद्री घोड़ा कहलाया जाता है। समुद्री घोड़ा अपना ज्यादातर समय समुद्र के तल में घास व पेड़ की झाड़ियों पर लिप्त कर अपना पूरा समय वहीं गुजारते हैं। यह पेड़ पर अपनी पूंछ से कुंडली बनाकर चिपका रहता है। दुनिया भर में समुद्री घोड़े की लगभग 54 प्रजातियां पाई जाती है और इसका आकार 2 सेंटीमीटर से लगभग 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। की लगभग 54 से 55 प्रजातियां देखने को मिलती है और इनका आकार 2 सेंटीमीटर से लगभग 30 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। नर समुद्री घोड़े का जो आकार होता है वह देखने में मादा से अलग होता है, से बाहर आते हैं। रोचक बात यह भी है कि नर समुद्री घोड़ा अपनी थैली में 50 अंडे तक रख सकता है। समुद्री घोड़े का कई बड़े देशों में बहुत ही ज्यादा शिकार किया जा रहा है। एशिया के कई देशों में जैसे वियतनाम, सिंगापुर और चीन इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बताई जा रही है। चीन जैसे बड़े देशों में समुद्री घोड़े को शक्तिवर्धक दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन में इसे व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसकी प्रजाति के लिए काफी चिंता का विषय है। में माहिर होता है, यह रंग बदलने की पकला इसे दूसरी मछली का शिकार होने से बचाती है। हालांकि ज्यादातर मछलियां इसे अपना शिकार नहीं बनाती, ज्यादा यह ठंडे देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कनाडा। तर समुद्री घोड़े गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अर्जेंटीना, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। समुद्री घोड़ा बहुत ही प्यारा जीव होता है और इसकी रंग बदलने की कला इसे और जीवों से ज्यादा अलग बनाती है। हालांकि समुद्र में रहने वाले अन्य कुछ ऐसी भी हैं जो रंग बदलने की कला जानते हैं और वह इस कला से अन्य शिकारियों से अपनी जान बचा पाते हैं, अन्यथा वह किसी अन्य मछली का शिकार हो सकते हैं। समुद्री घोड़ा ना तो किसी जीव का शिकार करते हैं और ना ही कोई जीव इस जीव का शिकार करते हैं, परंतु इंसानों द्वारा खाए जाने के इस रिवाज के कारण और अपने स्वार्थ के कारण जीवों पर होते अत्याचार बहुत ही निंदापूर्ण है। अन्यथा कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इंसानों को अपने लिए कुछ पाबंदियां बनाने का प्रयास करना अनिवार्य है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ जीवों को केवल पुस्तक योग्य बना देंगे। समुद्री घोड़ा अक्सर गर्मियों में ही दिखाई पड़ता है, सर्दियों में यह कहां चला जाता है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।